एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। यह देख दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल पांचवा दिया अकेले ही जल रहा था। हालांकि पांचवा दिया सबसे छोटा था मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। बालक छोटा था, उसने देखा कि घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। चार दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया जो जल रहा है वो बहुत है। उसने तुरंत पांचवा दिया उठाया और बाकी के चार दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह पांचवा अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। इसीलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाए लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। यही एक ही दिया काफी है बाकी सभी दियों को जलाने के लिए।